रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो कल का जो सबक था हम उसको मुख्तसर सा जो है एक बार रिवाइज करके फिर हम वहां से आगे चलेंगे। ठीक है, आप सबसे जो है विनती है कि आप लोग अपने साथ में जो है अपना हैंडबुक भी रखिए किताब के साथ साथ, क्योंकि आज हैंडबुक में भी कई बार जो हैंडबुक का भी हवाला देंगे तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो कल जो था रिवाइज करें, कल हम लोगों ने इस पे तबादला ख्याल किया कि स्वरूप लक्षण और ततश लक्षण क्या होते हैं भक्ति के। ठीक है, और फिर जो ये एग्जाम्पल्स थे यहाँ पर एक्चुअल तबादला ख्याल हुआ कि क्या क्या कि कौन कौन से जो हालात जो है वो शुद्ध भक्ति के लिए माने जा सकते हैं। प्रभु थोड़ा सा ना आज नेट का इश्यू था, जिस वजह से नेट में क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन कराई। प्रभु ठीक है, ठीक है, होगा सब बीच में, अभी हो गया आगे चलते। ठीक है, अगर आप लोग इत्मीनान रखिए, क्लास होगी टाइम से खत्म, ऐसा नहीं लेट छोड़ा तो लेट खत्म होगी, टाइम से खत्म होगी। ओके, आज जो है हम वाकईतन जो है इस किताब के पहले जो पहला जो चैप्टर है उस पे जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले तक तो जैसे हम लोगों ने जो है देखा था कि हम जो इब्तदाई चीजें थी वो हम कर रहे थे, तो मगर दिबाचा है चाहे तारुफ है, बट अब हम पहले चैप्टर पे पहुंच गए हैं आज। ठीक है, तो पहले चैप्टर का जो नाम जैसे आप देख सकते हैं सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, यानी कि शुद्ध भक्ति के जो है ये छह कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहिए, किरदार। ठीक है ना, तो वो इसके ये क्या किरदार है, कैसे आप समझते हैं शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति है। ठीक है, तो ये बिल्कुल शुरुआती चीज है, आइए हम अंदर चलते हैं। ये जो श्लोक है सुनील प्रभु आपके पास है ना, वो क्या नाम है, को होस्ट या क्या है? सुनील प्रभु आपके पास को होस्ट है? तो मुझे आपको बनाना पड़ेगा। मेक होस्ट, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ सुनील प्रभु, मैं आपको हे होस्ट बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसका फोटो उतार सकते हैं या बाद में जो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। हम लोगों ने वैसे वीडियोस के लिंक्स सब पोस्ट करते जा रहे हैं गूगल ड्राइव से, तो मैं मुझे उम्मीद है आप में से कुछ लोगों के पास जो लिंक्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप लोगों के व्हाट्सएप में जो है लिंक्स हम पोस्ट कर देते हैं हर दिन, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये जो छः जैसे हमने बात ऊपर जैसे लिखा है, जो छः इसके भक्ति के जो है लक्षण है, जीना आराम कर दिया लगता है, क्या करूँ यार, म्यूट ऑल करना पड़ेगा। ओके, तो ये छह चीजें हैं, वो क्या है, क्लेशाग्नि ये पहला है, शुभधा ये दूसरा है, सर संस्कृत है पर हम इसको जो है बहुत आसान उर्दू में जो है अभी समझेंगे आगे। क्लेशाग्नि, शुभधा, मोक्ष लघुदाकृत ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, श्लोक के मुताबिक सुदुर्लभ ये चौथा है, सांद्र आनंद विशेष आत्मा इतना पूरी लाइन जो है ये पांचवा है, और श्री कृष्ण आकर्षणी यहां तक ये छठा है। ठीक है, ये छह जो है बुनियादी जो इसके लक्षण है आपके शुद्ध भक्ति के। ठीक है, क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुदाकृत, सुदुर्लभा, सांद्र आनंद विशेष आत्मा, श्री कृष्णाकर्षणी, चसा। चसा का मतलब ये, ठीक है, च का मतलब होता है एंड और ये, सा का मतलब ये। ओके, तो ये भक्ति रसामृत, अब हम इन छह पहलुओं पर अब गुफ्तगु करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये घबराहट हो रही है कि यार ये कहाँ से निकालना है, क्या है, किताब में नहीं मिल रहा, तो आप अपने हैंडबुक में भी अगर आप देखेंगे तो हैंडबुक में आपको वो चीज मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको अंग्रेजी में दिखा रहा हूँ, आप हैंडबुक में आप
पन्ना अपने आप उस हिसाब से निकाल लीजिए, मुझसे पेज नंबर मत पूछिएगा। अगर किसी को पेज नंबर मिल जाए तो चैट नंबर, फिर वह शुरू हो गए, बोलने से पहले शुरू हो गए। मैं कह रहा हूँ किसी को अगर पेज नंबर मिल जाए तो चैट पे डाल दें, ठीक है, जहाँ पर पेज नंबर करके शोर ना मचा, चैट पे डाल दें। ये मैं आपके सामने अभी खोल रहा हूँ, अभी खोला नहीं है मैंने, अभी आपने आपके सामने मैं अंग्रेजी में खोल कर दे रहा हूँ, इसको देखिए और पेज नंबर निकाल लीजिए, ऐसा पेज होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये छः की छः चीज़ें, क्लेशाग्नि, शोभदा, मोक्ष लघुदाकृत, सुदुर्लभा, सांद्र आनंद विशेषात्मा, और आखिरी श्री कृष्ण आकर्षणी। इसी को मिला के वो श्लोक बनाए, उस श्लोक को इन छह हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप देख लें, ठीक है। पेज नंबर जो है व्हाट्सएप अपने इसके फेसबुक के सॉरी इसके जूम के चैट पे जो है पेज नंबर पोस्ट कर दीजिए, जिसको भी मिल गया हो। आगे ओके, अब हम वापस जा रहे हैं स्लाइड की तरफ, उधर ही ओके, ठीक है। तो अब हम एक एक करके आगे चलेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे क्लेशाग्नि, देखिए इसके बारे में रूप गोस्वामी क्या फरमाते हैं। इसका मतलब होता है ये वही जो आपके 92 नंबर, उर्दू में 92 नंबर बनने पर जो है, तो ये उनके मायने हैं वहां पर जो, इनके साथ साथ इनके मायने भी लिखे गए हैं, तो आप देख लीजिए मायने है। सुनील प्रभु आप यहाँ पे मौजूद हैं क्या? शायद है नहीं, आवाज आई नहीं रही है। अर्जुन प्रभु आप मौजूद हैं? आवाज ही नहीं आ रही। कन्हैया प्रभु आप मौजूद हैं? प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, कोई ईश्वर है मेरा रास्ते में था प्रभु। हाँ हाँ, तो छोड़ दीजिए कोई बात, मैं पढ़ने के लिए। कन्हैया प्रभु आप मौजूद हैं? हरे कृष्णा प्रभु, मैं जहाँ पे हूँ यहाँ बहुत शोर है तो मैं नहीं पढ़ सकता, सॉरी। ठीक है, ये देखिए मेरे को दर्शनामाद जी नाम है ना, आप मौजूद है क्या? जी 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 ओके, आपके पास उर्दू में है किताब? इंग्लिश में है। नहीं नहीं, जिसके पास उर्दू में, रुक्मिणीपति प्रभु जरा उर्दू में पढ़ना है, छे के छे इनके जो तर्जमा दिया हुआ है। क्लेशाग्नि, सभी तरह की भौतिक चिंताओं से आजादी, भौतिक चिंताओं के तीन सबब, पाप माय कर्मों का फल, बीजम भौतिक ख्वाहिशात, अविद्या, अज्ञान, अंधकार। ये दूसरा शुभदा, परम शुभ, सभी के लिए दया, सभी कोशिश करने वाली। आपके वहां जो भी और बैठा है ना उसका माइक्रोफोन बंद करवाइए, जो भी वहां आपके इलाके से बैठा हुआ है कोई बैठ के ये क्या कहते हैं फीडबैक का मतलब भी, वहां पे कोई और है जिसका फोन ऑन है, बंद करवाइए। अब बताइए जी, मेरे साथ रुक, ठीक है, फिर किसी और ने शुरू किया होगा जी, आप जारी रखिए। शुभदा, परम शुभ, सभी के लिए दया, सभी को कशिश करने वाली, दिव्य गुणों को उत्पन्न करती है, आला तरीन सुख प्रदान करती है, मोक्ष लघुकृत, मुश्किल से प्राप्त, खुद को कोशिशों से प्राप्त नहीं की जा सकती, खुद की कोशिशों से प्राप्त नहीं की जा सकती, कृष्ण मुश्किल से ही इसे प्रदान करते हैं, सानंद विशेष आत्मा, लाभ महदूद रूहानी आनंद, श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को कशिश करने का वाहिद जरिया, कृष्ण की अंतरंग शक्ति के काबू में। गुड। तो ये जो है मोटे मोटे, अभी ये है क्या, कैसे है, क्या है, आगे सब धीरे धीरे जो है आगे आपको मालूम चलेगा, ठीक है। जो काम करते हैं अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं।
नहीं अभी आएगा मेरे ख्याल से, जब आएगा जब करेंगे। ठीक है हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी आपकी आवाज काट रहा हूँ जी, फरमाइए। एक्चुअली ये जो टेबल दिया हुआ ना उर्दू वाला, इसमें छह नहीं दे रखे, इसमें पांच दे रखे, इसमें सो दुर्लभा नहीं दे रखा। क्या बात कर रहे हैं, तो मिस्टेक है, पांच है, छह सुदुर्लभा को लिख लीजिए। ठीक है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, आप देखिए यहाँ पर कहाँ पर क्या है बीच में, उसको डाल लीजिए। मोक्ष लघुता के बाद आएगा, मोक्ष लघुता के बाद जो है सुदुर्लभा आएगा, उसे डाल लीजिए। ठीक है, किताब में भी है वो चीज, मैं किताब में भी आपको बता दूंगा कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, क्योंकि किताब के अंदर भी मुझे आपको वो लिखवाना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ है। ओके, जब आएगा जब हम बात करेंगे। देखिए किताब में भी जो है ये छह जो नुकात है ये आपको मिलेंगे पहले ही पन्ने पर। मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ लिखे हुए प्रभु उर्दू बुक। हाँ अब उसके उसके हाँ उसके साथ साथ में जो है मैं आपको लिखवा देता हूँ, तो आप लिख लीजिए किसके साथ क्या है। ठीक है, सब लोग जो अपनी किताब निकाल लें और किताब में जो है इस बेशक अपने किताब के में जो है साथ में लिख लें। ठीक है, पेन से लिख लें इस चीज को, कौन सी चीज क्या है। ठीक है, मतलब जो अभी किताब निकाल के लिख सकते हैं, अगर कोई रास्ते में है तो वो सब और बात है, पर अगर कोई लिख सकता है तो वो जरूर लिख लें। तो इनमें से पहले ही पेज पर है प्रभु, वो लिखे हुए हैं, मैं वही देखना चाह रहा हूँ, फिर मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो वैसा ही लिखा है नहीं लिखा है। ठीक है, ऐसा समझ लें, क्योंकि ये आपका सवाल भी है, वो जो आप लोग जो बंद किताब मुताल्या जो कर रहे होंगे वो उसका उसका एक जवाब भी है। पहला जो है वो क्लेशाग्नि है, पहला नुकात ऐसा ही है जी, ऐसे ही बस आप अपना माइक्रोफोन ऑन रखिएगा, बस मैं रोहिणी नंदन प्रभु से पूछ लूंगा, बाकी लोग अपना अभी मुंह बंद रखें, बस एक बंदा क्योंकि नहीं तो शोर मचता है। एक्सेलेंट, दूसरा प्रभु जी शुभदा है, बिल्कुल प्रभु जी दूसरा शुभदा है। तीसरा क्या है, सांद्र आनंद विशेषात्मा नहीं मोक्ष लघुता तीसरा। हाँ तो तीसरा, इसको तीसरे को लिखिए सांद्र आनंद विशेषात्मा, तीसरे को सांद्र आनंद। हाँ हाँ पढ़िए उस वो जो तीसरा पॉइंट, उस पॉइंट का तर्जमा पढ़िए जरा, क्या लिखा तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है पास, मोक्ष लघुता करत मुश्किल नहीं, से नहीं, नहीं 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 किताब में, किताब की बात करो, हैंडबुक की बात ही कर रहा। हाँ मेरे पास हिंदी वाली है प्रभु, सॉरी हिंदी है। हाँ 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 हिंदी किताब बोलिए, तीसरी लाइन क्या लिखी है, उर्दू में लिखा हुआ शुद्ध भक्ति सेवा खुद ब खुद शख्स को रूहानी आनंद। अगर रूहानी आनंद की बात हो रही है तो सांद्र आनंद होगा ना उसके अंदर, मोक्ष तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा प्रभु, साधना सॉरी सांद्र आनंद हो आप, ये भी बड़ा चक्कर है। आप लोग साथ में हैंडबुक खोल लीजिए, हैंडबुक में सारे संस्कृत लिखे हुए हैं, उसको यहाँ किताब में उतार लीजिए। हैंडबुक में चीजें इसीलिए दी हुई है ताकि ऊपर नीचे जो है किताबों में गड़बड़ जो है वो ठीक कर सके। ठीक है, पेज नंबर हैंडबुक में उर्दू 93। आप अभी आए हो, अब चैट चेक करो, पहले चैट में डला हुआ है पहले से पेज नंबर। ओके ठीक है, तीसरा जो है सांद्र आनंद विशेष आत्मा, वहां से उतार लीजिए किताब से, वो हैंडबुक से किताब में तीसरे नंबर पॉइंट के साथ में उतार लीजिए, तीसरे नुकात पे। ठीक है, चौथा जो है वो है सुदुर्लभा। मूलचंद प्रभु जरा चौथा पढ़ना जरा, मूलचंद प्रभु चौथा पढ़ना जरा। चौथा है शुद्ध भक्ति की सेवा शास्त्र तौर पर हासिल होती है। हाँ तो बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, फिर वो सुदुर्लभा हो गया, इसलिए वो सुदुर्लभा हो गया। ठीक है, पांचवा क्या है, पांचवा होगा मोक्ष लघुता कृत, वही हैंडबुक से देख लीजिए, हैंडबुक में लिखा हुआ है मोक्ष लघुता कृत, वो पांचवा होगा, किताब में कर लीजिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, पांचवा जो शख्स शुद्ध भक्ति सेवा में है वो मुक्ति के ख्याल को भी मुस्तैद कर देते हैं। तो बस तो अगर वो मुस्तैद कर रहा है तो मोक्ष से हटना चाह रहा है ना, मोक्ष ख्याल को, मुक्ति के ख्याल का नहीं, मोक्ष ख्याल को मुस्तैद कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आखिरी जो है पॉइंट
वो है श्री कृष्ण आकर्षणी। हैंडबुक से देख लीजिए, हैंडबुक में लिखा हुआ श्री कृष्ण आकर्षणी, उसको किताब में लिख लीजिए, ये है श्री कृष्ण आकर्षणी। ठीक है, यस। अब पढ़ना जरा मूलचंद प्रभु छठा। श्री कृष्ण को कशिश करने के लिए सिर्फ शुद्ध भक्ति सेवा ही एक तरीके कार है। बस ऐसे ही श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण की कशिश बढ़ाने के लिए आकर्षणी। ठीक है, गुड। अच्छा, अब मैं किताब में अंदर जा रहा हूँ, जो ये पैराग्राफ्स बने हुए मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, yes. सबसे पहला जो पैराग्राफ आपका शुरू होता है वो है क्लेशाग्नि। ठीक है, किताब, अब किताब के अंदर रख रहे हैं हम इसको। क्या लिखा हुआ है मूलचंद, तुम पढ़ना जरा इस पैराग्राफ का टाइटल क्या है। मादी दुखों से मुक्ति निजात। हाँ, तो क्लेश, हाँ, तो बस निजात है तो क्लेशाग्नि। ठीक है, इसके साइड में क्लेशाग्नि लिख लीजिए। फिर इसके एक दो क्या, मेरे ख्याल से कम 3-4 पन्ने उल्टेंगे तो अगला पार्ट आएगा। कृष्ण भावना तमाम शुभ है। शुभ है तो ये क्या होगा, शुभदा। यहाँ पर ये वाला शुभदा है। ठीक है, ब्रैकेट में शुभदा लिख लीजिए, वही अपने उर्दू से उठा के शुभदा लिख लीजिए। ठीक है, यस, ओके। उसके फिर एक दो पेज हटाएंगे तो उसके बाद तीसरा क्या है, कृष्ण भावना में आनंद। जी हाँ, कृष्ण भावना में आनंद। हाँ, उर्दू में कहते हैं, हाँ, तो इसमें आप लिख लीजिए सांद्र आनंद विशेष आत्मा, वो जो आखिरी वाला था आपके उर्दू हैंडबुक में, जो आखिरी था वो इसमें लिख लीजिए सांद्र आनंद विशेष आत्मा। ओके, बहुत अच्छा। उसके बाद उसके आप 3-4 पेज कम से कम हटाएंगे तो आपको अगला मिलेगा, शुद्ध भक्ति सेवा की नायाबी। नायाबी वो बहुत नायाब है ना, रेयर है, इसका मतलब सुदुर्लभ। ठीक है, ये हुआ सुदुर्लभ। ठीक है, वो जो आपके हैंडबुक में लिखा होगा सुदुर्लभ, उसको वहां ऐसे वैसे ही यहाँ लिख लीजिए सुदुर्लभ। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके साथ ही अगला वाला होगा भगवान के साथ एक हो जाने की खुशी। एक हो जाने की खुशी, तो एक एकाकार का मतलब मुक्ति मोक्ष की बात हो रही है ना। यस, तो ये वो वाला है मोक्ष लघुदाकृत। तो आपने बोला था ना मुक्ति के ख्याल को मुस्तनद कर दे रहा हूं, तो ये वो है मोक्ष लघुदाकृत। yes. इसमें लिख लीजिए मोक्ष लघुदाकृत। ठीक है, और उसके नीचे आखिरी छोटा सा होगा श्री कृष्ण को कशिश करना। बस, तो श्री कृष्ण आकर्षणी आखिरी वाला, जो आपके हैंडबुक में आखिरी आखिरी नुक्ता दिया हुआ है। ठीक है, वो नुकात श्री कृष्ण आकर्षणी, उसको वहां लिख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया। एक दो पेज पीछे जाएंगे देखेंगे चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, और इसलिए हम चैप्टर की शुरुआत में आते हैं और ये हमारा सबक शुरू होता है। ठीक है, तो अब मैं, मेरी यही गुजारिश होगी मूलचंद प्रभु। यस प्रभु, आपसे गुजारिश है, ये जो आपने लिखा है ना, कौन से पेज में क्या लिखा है, वो जरा ये चैट में या व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, नहीं तो शोर मचाते रहेंगे कौन सा पेज था कौन सा। नहीं, कर दीजिएगा अभी तो, ठीक है ये चल रहा है तो कैसे करेंगे। इसके बाद जो है आपको मैं, हाँ, ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ये क्लास खत्म होने के बाद जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ये वाला डाल दीजिएगा, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, पता नहीं किसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम वापस जाते हैं स्क्रीन पर। अब देखिए ये जो छह हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो छह हैं यहाँ पर, क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुदाकृत, सुदुर्लभा, सांद्रांतमृतेचात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी, इनमें से पहले दो, जो नंबर एक नंबर दो, ये साधना भक्ति के लिए है, नंबर तीन नंबर चार भाव भक्ति के लिए है, और नंबर पांच नंबर छह प्रेम भक्ति के लिए है। ठीक है, धीरे धीरे आपको दिख जाएगा, घबराइए मत, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, क्लेशाग्नि शुभदा ये साधना भक्ति का हिस्सा है। ठीक है,
यानी जब आप साधना भक्ति करते हैं तो ये दो असर देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनके असरात आते हैं आपके ऊपर, ठीक है। यानी कि आप भौतिक जो क्या कहते हैं मादी दुनियावी जो दुख है उससे आपको राहत मिलती है और ये शुभ होता है आपकी जिंदगी में, सब कुछ शुभ होता है, ठीक है। ओके ऑस्पिशियस, ठीक है। अब उसके आगे जो है भाव भक्ति, भाव भक्ति में दो जुड़ गए, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ। भाव भक्ति में इन दोनों के साथ साथ बाकी दो भी जुड़ जाते हैं, मोक्ष लघुताकृत, यानी कि जब इंसान भाव भक्ति को पहुंचता है, यानी भाव भक्ति भगवान देते हैं, साधना भक्ति तक आप कर सकते हैं, भाव भक्ति जो है वो भगवान हमें जो है साधना भक्ति के नतीजे में हमें देते हैं, तो उस वक्त आप बाकी दो जो ये है इनका तजुर्बा कर सकते हैं कि अब आपको मुक्ति की तमन्ना नहीं रह जाती, आपको मुक्ति छोटी दिखाई देती है, वाकई में छोटी दिखाई देती, क्योंकि आपको पता है भाव भक्ति में, ठीक है। अभी तो हो सकता है आप जुज्वी तौर पर ये बात कर रहे हो कि मुक्ति जो है वो छोटी है, मुक्ति की कोई हैसियत नहीं है, कोई हुकत नहीं है, ठीक है ना, मगर ये जुज्वी तौर पर है। मगर असल में अगर मुझे मुक्ति मिल रही है तो मैं तो इस दुनिया में लिथड़ रहा हूँ, सड़ रहा हूँ, और मुक्ति का मतलब है इस पूरे दुनिया के पार जाना, वो आसान काम तो नहीं है, मैं खुद ब खुद तो नहीं जा सकता, तो बहुत बड़ी बात है। मगर जिसके पास भाव भक्ति आ जाती है उसके लिए ये मुक्ति जो है अब वो छोटी लगने लगती है, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि ये चीज बड़ी बहुत नायाब है, इसीलिए सुदुर्लभ, हर किसी को नसीब नहीं होती। साधना भक्ति चाहे तो हर कोई कर सकता है, मगर भाव भक्ति मिलना हर किसी के बस का रोग नहीं है। और इसीलिए हमने पहले दिन जब हम बात करते थे साधना भक्ति की, तो मैंने यही बात कही थी, साधना भक्ति का जो टारगेट होता है वो भाव भक्ति होता है। ये जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं इसका इसके नतीजतन हम भाव तक पहुंचते हैं। साधना भक्ति का जो 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 मकसद होता है वो सीधा प्रेम नहीं होता, भाव भक्ति से प्रेम पे जाया जाता है, तो छलांग मार के साधना भक्ति से प्रेम भक्ति पे नहीं पहुंचते। इसीलिए साधना भक्ति का पहला उसका जो पहला टारगेट है वो जो है मकाम, तो वो भाव भक्ति है, ठीक है। इसीलिए इसको कुछ बहुत खास मकाम दिया गया। ओके, अब जब प्रेम भक्ति मिलती है हमें तो बाकी के दो भी जुड़ जाते हैं। ये दो लक्षण प्रेम भक्ति में देखने को मिलते हैं, सांद्र आनंद विशेष आत्मा, विशेष आनंद, बहुत खास खुशू, ठीक है ना, खास आनंद, खुशूसी आनंद, वो प्रेम भक्ति में मिलता है, इससे पहले नहीं, ठीक है। और कृष्ण आकर्षणी, और इस प्रेम भक्ति से जो है दरअसल भगवान हमारी तरफ खिंचे आते हैं, वो जो कशिश पैदा होती है भगवान के अंदर हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे अंदर भगवान के लिए नहीं, उल्टा है ये, इसको ऐसा ना समझिएगा कि हमारे अंदर भगवान के लिए कशिश पैदा होती है, नहीं, भगवान के हमारे अंदर हमारे लिए कशिश पैदा होती है प्रेम भक्ति से। श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को अपने ओर वो खींचती है उस कशिश की वजह से, ठीक है। जिसको जो लिखना था लिख लिया, कई लोग पेन चला रहे, तो मैं रुका हुआ हूँ, तो मैं रुका हुआ हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई लोग जो है कलम चला रहे हैं, तो तो पहले के जो दो थे ये साधना भक्ति तरीका, अब वही एक ही बात होगी, ये देखो ये डायग्राम, सेम डायग्राम है, ये देखिए साधना भक्ति में दो, भाव भक्ति में और दो, प्रेम भक्ति में आखिरी के दो, छह के छह जो है आपके अंदर आ गए, ये भक्ति के छह लक्षण है, ठीक है, शुद्ध भक्ति के छह लक्षण, तो ये तीनों शुद्ध भक्ति मानी जाती है, साधना भक्ति भी शुद्ध मानी जाती है, भाव भक्ति भी शुद्ध मानी जाती है। शोर मचाना बंद करवा दो, थोड़ा सा मौका क्या मिलेगा माइक्रोफोन ऑन करने का, ओके। सो साधना भक्ति भी शुद्ध भक्ति कहलाती है, भाव भक्ति भी शुद्ध भक्ति कहलाती है, और प्रेम भक्ति भी शुद्ध भक्ति कहलाती है, तीनों ही शुद्ध भक्ति के अंदर। जैसे कि जब आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है ना,
तो स्कूल में जाने वाला जो तालिब है, तालिब इल्म जो है, वो जो पहली जमात में हो तब भी वो स्टूडेंट कहलाता है, वो दसवीं जमात में हो तब भी वो स्टूडेंट कहलाता है, ए लेवल ओ लेवल में भी हो तब भी वो स्टूडेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो फिर भी ये ठीक है, तालिब तालिब में फर्क है, मगर है सारे एक ही स्कूल के तालिब इल्म, ठीक है। आगे चलें। ओके, यस गुड गुड। अब एक एक करके चलते हैं, ठीक है, एक एक करके सबका मुआवजना करेंगे। ओके, दूसरे के साथ क्लेशाग्नि, इसका क्या मतलब है? आप लोग अपने वो जो हैंडबुक है उर्दू वाला, पेज नंबर 92-93 में सारा वो लिखा हुआ, उसको सामने रखिएगा तो आपको दिखता जाएगा, ठीक है। मतलब ये दो लफ्जों से बनाए, संस्कृत के दो लफ्जों से बनाए, एक है क्लेश, क्लेश हिंदी में भी इस्तेमाल होता है, क्लेश हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्लेश का मतलब है तकलीफ, दुनियावी तकलीफ, ठीक है। और घ्नि, यह अग्नि नहीं है, अग्नि का मतलब आग होता है, अग्नि नहीं है, ये घ्नि है, घना, जैसे घी होता है ना घी, वैसे घ्नि, घना घ्नि, ठीक है। घ्नि का मतलब है खत्म कर देना, ठीक है, यानी कि ये दुनियावी तकलीफों को, मादी तकलीफों को खत्म कर देती है। क्या खत्म कर देती है? क्लेश, यानी कि साधना भक्ति, साधना भक्ति दुनियावी तकलीफों को खत्म कर देती है, ठीक है। आप कोई बोल सकते हैं प्रभु जी हम तो कर रहे हैं, हमारी तो खत्म नहीं हुई है, वो सारी बहस मुबाहसा जो है हम आगे कर लेंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा। अभी सुन लीजिए है क्या ही, ठीक है, क्योंकि कईयों का हो सकता है दिमाग चलने लग जाए, हम तो कर रहे हैं इतने साल से, मेरी खत्म नहीं हुई, तो आ रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं बात, उस पर आगे करेंगे बात, उस पर पहले समझ लीजिए चीज क्या है। प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति जो है फौरन हमें भौतिक सॉरी दुनियावी तकलीफों से राहत देती है, ठीक है, भौतिक तकलीफों से हमें राहत मिलती है, निजात मिलती है। ओके, अब आते हैं दूसरा, ये इसका ये मतलब था। अब दूसरा इसी के अंदर, अब दुनियावी तकलीफ के तीन वजूहात हो सकती हैं, ठीक है, मादी तकलीफ के तीन वजूहात, वो क्या क्या? ये 10 मिनट में फिर दोबारा बंद होने वाला है, क्या हुआ प्रभु जी? सुनील प्रभु, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं सुनील प्रभु? फिर ये बंद हो जाएगा, फिर ऑन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जो भी है। ओके, तो ये देखिए, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ये इसके तीन वजह लिखे हुए संस्कृत में लिखे हुए, ठीक है। क्लेशस्तु पापम तद बीजम तरीका अविद्या चेति ते त्रिधा, वो जो आपकी किताब में जो हैंडबुक है, जो आपका उर्दू वाला, उसी पेज में जहां पर नीचे ये वो ये जो छह नुकात दिए हुए थे, जो छह लक्षण दिए हुए थे, इसी के ऊपर एक डायग्राम है, वो इससे मिलता है। अब हम आ रहे हैं उस तरफ, उसी तरफ आ रहे हैं। मतलब क्या है कृष्णा प्रभु जी? इस दुनिया, हाँ जी तेजस्वन प्रभु फरमाइए। प्रभु जी ये हिंदी में पेज नंबर इस हैंडबुक में कौन सा हिंदी में प्रभु जी? तो जी खुद ढूंढिए, मैं पेज नंबर बताता नहीं फिरूंगा, पेज नंबर ढूंढिए खुद, देखिए सामने मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, ऐसा ही डायग्राम होगा। मैं पागल हो जाऊंगा भाई, किसी को मिल जाए तो चैट में डाल दो ना, शोर क्यों मचा रहे हो यहाँ पर, कितनी बार बोला है। जिसको हिंदी में मिल जाए पहले, वो दूसरे पे मेहरबानी कर रहे हैं, हिंदी में पेज नंबर ये चैट पे डाल दे, जिसको उर्दू में पहले मिल जाए तो वो जो है अपनी जो ये डिस्कवरी है वो वहां डाल दे, यहाँ ना शोर मचा है क्लास के अंदर, 72, 62, 82, फिर पीछे से बच्चा चिल्लाता है, तीसरा बंदा वहां से सड़क पे जाता है वो ऑन कर देता है, वहां गाड़ियां चल रही हैं, यार क्या यार तुम क्लासरूम में क्या अजायब कर रहे हैं। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप शोर मचाते फिरे। अगला पेज देखिए जो आपके उर्दू के हैंडबुक में, उसके अंदर है जो जहां पर ये सारा था, ये छह लक्षण थे, उसके अगले पेज में ये चीजें आएंगी जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आप ये यानी कि तकलीफ के
तीन वजूहात बताए गए, दुनियावी तकलीफ के तीन वजूहात। पहला, पहली वजह पाप, यानी कि पाप करने से उसका जो अंजाम भुगतना पड़ता है, ठीक है। दूसरा बीजम, पाप का बीज, यानी कि जो हमारी दुनियावी ख्वाहिशात होती हैं, जो हमारी मादी ख्वाहिशात हैं, वो ये दूसरी वजह है, ठीक है। तीसरा अविद्या, जहालत, ठीक है। ये तीन वजह है दुनिया में तकलीफ जो हमें मिलती है उसकी, ये तीन वजह है, पाप, बीज, अविद्या, ये तीन चीजें। वो जब एक श्लोक दिखाया था उससे पहले उसका यही मतलब था, पाप, बीज, अविद्या, पाप, बीज, अविद्या, ठीक है। अब इसका एक सर्कल हम दिखाएंगे कैसे चलता है, काम कैसे करता है, ध्यान से सुनिए। पहले हमने बताया कि ये तीन वजूहात है, अब दिखाएंगे कि ये तीन वजह जो है, पर उस सबको म्यूट कर दे आप, ऑल म्यूट कर दे, मैं वही चेक कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं सारे काम छोड़ के यही करता रहूँ। मूलचंद प्रभु का शायद माइक ऑन है, तो मेरा माइक ऑफ है, मेरे यहाँ नहीं है। ये करिश्मा माता जी का है, इसको बोले बंद करें। ठीक है, अब मैं ना मैं बोलूंगा नहीं जब तक शोर बंद नहीं होता, तंग करते हैं ऐसे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले बच्चे क्लास में बैठते हैं ना, बस टीचर पढ़ा रहा होता, पीछे से चौक मारते हैं, शोर मचाते हैं, क्या कहते हैं, जहाज उड़ाते हैं कागज के, उसकी जगह ये शुरू हो गया। मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, मुझे मिल ही नहीं रहा हूँ ऑप्शन जल्दीबाजी में। पता नहीं कहाँ है, टाइम खराब होता है, कुछ नहीं है। एनीवे सबसे हम कहाँ थे, मैं सारा भूल गया। अच्छा, आ रहा हूँ, याद आ गया, ठीक है। तो अब हमने पहले हमने ये देखे थे कि इसके तीन जो वजूहात है वो क्या है, अब हम देखेंगे कि इसके इसका अंजाम क्या होता है, ये देखिए, ठीक है। पाप के दो पाप के दो, जैसे पहले हमने देखा कि तीन वजूहात है, तीन वजूहात में क्या क्या था, पाप था, साथ में बीज था और अविद्या था। अब हम सिर्फ पाप जो है, पाप कितने तरह के होते हैं, पाप की जो क्या तासीर है, पाप की तासीर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, पाप की तासीर पे बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है, अप्रारब्धम, ठीक है, ये वही जो आपके पेज में उर्दू में जो भी पेज नंबर 93 वगैरह होगा वहां पर लिखा हुआ है, आप देखिए सब मिल जाएगा, अप्रारब्धम और प्रारब्धम, यानी कि वो पाप जो अभी जिसका फल अभी मिला नहीं है, पाप आपने किया है और फल मिलेगा, ठीक है, और प्रारब्धम का मतलब वो पाप जिसका अब आपको फल मिल रहा है, कर रहा है तो अब आप भुगत रहे हैं, ठीक है। तो इस दुनिया में कुछ पाप ऐसे हो सकते हैं जो आप करें और फौरन उसका अंजाम आपको मिल जाए, और कुछ होता हो सकता है कि जो आप करें और उसका अंजाम आने में देर हो, वो अपने टाइम से आएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे करनी वैसे भरनी वाली जो चीज है, फौरन की और फौरन उसका अंजाम आ गया, वो क्या हो सकता है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसका कोई पाप का फौरन आपको जो है फल भुगतना पड़ जाए। हम अपने माता पिता की इज्जत नहीं करेंगे तो बच्चे भी हमारी नहीं इज्जत करते, ये ठीक है, ये लंबा है, हाँ ये लंबा है, ये लंबा है जो बिल्कुल फौरन जिसका आपको असर देख जाए। प्रभु हरे कृष्णा, मंदिर में पंडित को चमाट मार दें, हाँ फिर क्या होगा, अंजाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा, भगत लोग आ जाएंगे सारे ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी आप हरे कृष्ण, प्रभु जी आप हरे कृष्णा नहीं बोल रहे, आप हरे कृष्णा के हरे कृष्णा चिल्ला चिल्ला के लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या आप हाथ नहीं उठा सकते वहां से, उसके अंदर हैंड रेस का ऑप्शन है कि नहीं है,
एक आदमी बोल रहा है बीच में हरे कृष्णा, एक आदमी बोल रहा है बीच में हरे कृष्णा, दूसरे की बात सुनना सीखिए और आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। देख लिया मैंने आपको, हैंड रेज है उसके अंदर, देखिए ढूंढिए उसके अंदर हैंड रेज कहाँ होता है। विवेक कुमार जी ढूंढिए वहां पर हैंड रेज का ऑप्शन। सर भी हिला रहे मगर ढूंढ नहीं रहे, बैठे हुए तब भी। जी प्रभु पता है प्रभु, लगाओ ना हैंड रेज, क्या तकलीफ आ रही है बता, बता, इसमें बता, तो वाकई में भी हाथ नहीं उठाना पड़ता कन्हैया प्रभु। नहीं नहीं एक मिनट, पहले विवेक प्रभु का फिनिश कर लेते हैं। जी बात बताइए, आप क्या कह रहे थे। अब माइक्रोफोन ऑफ है, हरे कृष्ण प्रभु, क्षमा चाहते हैं। हाँ, किसी को हम थप्पड़ मारते हैं तो वो बदले में हमको एकदम फौरी तौर पे थप्पड़ मारते हैं, इसको फौरी तौर पे थप्पड़ पड़ेगा। बिल्कुल, सड़क में जा रही कोई लड़की है आपने छेड़ दिया तो क्या होगा, जनाटेदार थप्पड़ पड़ेगा फौरन। तो वो है कि जो आपने किया उसका फौरन जो है आपको भुगतान करना पड़ता है, मगर कुछ हो सकते हैं जिनमें सालों लगे। जैसे जब कोई आतिशफिशा फटता है, ठीक है ना, तो जलजला आता है, तो वो कोई दो चार पांच मिनट दस दिन का नहीं होता, वो सालों जमीन के नीचे जो है उथल पुथल चल रही होती है, और एक दिन अचानक जो है लावा जो है वो निकलता है आतिशफिशा फटने से, ठीक है ना। तो इस तरह तो ये कुछ देर से हो सकते, कुछ देर में, देर नहीं है एक्चुअली, वो उसको पनपने में उतना वक्त लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे तो जब वो जब पनप रहा हो, वो जो आतिशफिशा जब वो पनप रहा है जमीन के अंदर, उससे आप प्रारब्धम कहते हैं, यानी इमैच्योर, अभी तक वो फला नहीं है। आम जो है पेड़ पे है मगर वो अभी कच्चा है, अभी वो खाने लायक नहीं बना, अभी वो पका नहीं है, तो इसे कहते हैं अप्रारब्धम, ठीक है। तो इसे अप्रारब्धम कहते हैं, और जब वो पक गया है, जब आतिशफिशा फटता है, तो उसे प्रारब्धम कहते हैं, बस। क्योंकि बहुत आसान सी चीज है, जब पाप का पाप जो है का घड़ा भर रहा है उसे अप्रारब्धम कहते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है और फूटता है तो उसे प्रारब्धम कहते हैं, ठीक है। पाप के ये